महानगर की नवोदय साहित्यिक संस्था जन साहित्य चेतना विचार मंच के तत्वावधान में पैगाम इंसानियत पुस्तक का लोकार्पण गत शनिवार को राजस्थान सूचना केंद्र के सभागार में संपन्न हुआ। लोकार्पण के दौरान मुख्य अतिथि विशंबर नेवल ने कहा कि गजल की इस पुस्तक के नाम से ही जाहिर है कि इसमें अमन और प्रेम का संदेश है। विशिष्ट अतिथि सिराज खान बातीश ने कहा कि मुझे आशा है कि इनकी गजलें जैसे जैसे दुनिया तक पहुंचेगी वैसे वैसे इनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष परवेज अख्तर ने कहा कि किसी भी शायर या कवि का सही मूल्यांकन किताब आने के बाद ही हो पाता है। गजलों की दुनिया में आपको बेहतर पहचान मिले, पूरी किताब आपके हाथों में है। मुझे यकीन है इनको पढ़कर आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। दूसरे सत्र में कविताओं का दौर चला जिसमें राम नारायण झा, देहाती कालिका प्रसाद उपाध्याय, अशेष रंजीत भारती, गौरी शंकर दास, ओम प्रकाश चौबे, धर्मदेव सिंह, चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी, डॉक्टर मनोज मिश्र, भूपेंद्र सिंह बशर, वी अरुणा, धर्मनाथ दुबे, राम पुकार सिंह, अवधेश मिश्र, सबरंग चंदा प्रहलाद का, वंदना पाठक, नंदू बिहारी, संजय शुक्ल, नश्तर सहूदी, मोहम्मद नशरुल्लाह, शकील अनवर, अयाज खान, मोहम्मद इजहार करीम, फिरोज अख्तर, नजीर राही, अनीसा साबरी, अपर्णा भद्र, मोहम्मद अयूब आदि कवियों ने भावपूर्ण रचनाएं सुनाकर वाहवाही बटोरी। स्वागत वक्तव्य हिंगलाज दान रत्नू एवं संचालन प्रदीप कुमार धानुक ने किया। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार धानुक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।